नमस्कार, आज हम झारखंड की करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सारे करंट अफेयर्स को हर एक सेक्टर से कवर किया गया है। ये आपका बेसिकली सारे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 2022 से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में झारखंड के बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कितने पत्रकार चयनित हुए? ऑप्शंस है हमारे पास 1, 2, 3, 4। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? कितने पत्रकारों का चयन हुआ है आपका मीडिया फेलोशिप, बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कितने पत्रकारों का चयन किया गया है? तो इसमें जो सही आंसर है हमारा ये है 1, एक पत्रकार का चयन किया गया है। नेक्स्ट, राज्य से किसका चयन 2022 में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया? ऑप्शंस है प्रतिभा हेम्ब्रम, रत्नेश कुमार, बिपाशा सिंह, शोभा हांसदा। इन चारों में से किसका चयन किया गया है आपका बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए हमारे झारखंड राज्य से? तो हमारे झारखंड राज्य से बिपाशा सिंह का जो है सिलेक्शन किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। ओके, नेक्स्ट, जसपाल सिंह मुंडा की 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं, 120वीं, 121वीं या फिर 118वीं? इन चारों में से जसपाल सिंह मुंडा का पूछा जा रहा है कि कौन सा जयंती जो है मनाया गया है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका 3 का A, 119वीं जयंती जो है जसपाल सिंह मुंडा की मनाई गई है। ओके, नेक्स्ट, राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? जो आपका बुक रीडिंग सेशन है उसको डेवलप करने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीडिंग कैंपेन, सेकेंड राइटिंग कैंपेन, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पढ़ाई कैंपेन। इन चारों में से ऐसा कौन सा कैंपेन चलाया गया जिससे कि आपका किताब को पढ़ने की, बुक को रीड करने का जो है आपका डेवलप हुआ है? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रीडिंग कैंपेन, रीडिंग कैंपेन ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। रीडिंग कैंपेन जो है आपका अभियान चलाया गया बुक पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, राज्य में कितने प्रदेश क्षेत्र होगा, ये कितने क्षेत्र में शराब की खपत होती है? 20, 28, 22, 26, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा शराब की खपत जो है वो क्षेत्र में है। टोटल कितना क्षेत्र है? तो 28 क्षेत्र में हमारे राज्य में शराब की खपत जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, 2022 के किस जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव बनाया गया? ऑप्शन है खूंटी, रांची, रामगढ़, धनबाद। किस जिले के? तो जो आपका ये गांव है आपका टकरा गांव, ये कहां पर है? ये है हमारे खूंटी जिले में। कहां पर है? खूंटी जिले में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? खूंटी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, राज्य सरकार नए अर्थव्यवस्था को 2022 में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? राज्य सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, IIT, ISM, ISB, RIMS एंड HEC।
तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? आईआईटी, आईएसएम, आईएसबी, रिम्स जो थर्ड ऑप्शन है, एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपका एचईसी। इसमें से ये कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? किसके साथ हमारे राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था 2022 को डेवलप करने के लिए आपका जो है साझेदारी किया है? तो आईएसबी के साथ जो है हमारे राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए आपका साझेदारी किया। नेक्स्ट, 2022 में राज्य के कितने बच्चों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी, मतलब मिड डे मील का जो है प्राइस आपको प्रोवाइड किया जाएगा? 32 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितने बच्चों को पूछा जा रहा है? कितने राशि की मिड डे मील नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, कितने बच्चों को? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 32 लाख। 32 लाख स्टूडेंट्स को आपका मिड डे मील का जो आपका प्राइस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे राज्य सरकार के द्वारा। ओके, राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से 26 जन 2022 को पुरस्कृत किया गया या फिर सम्मानित किया गया? वी हैव ऑप्शंस 8, 12, 10 एंड 11। इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो 26 जनवरी 2022 को टोटल 12 पुलिस कर्मियों को जो है आपका वीरता पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है वो? छुटनी देवी, सॉरी यहाँ पर नौ छूट गया है, ये छुटनी होगा, छुटनी देवी, मधु मंसूरी हसमुख, ससभर आचार्य, गिरधारी राम कुंजू, इन सात में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका गिरधारी राम गोंजू। नेक्स्ट, 2022 में किस शख्स ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण करने की घोषणा कर दी, यानी जिसने अनाउंसमेंट की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की? हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी रिसेंट में, अर्जुन मुंडा जो हमारे भूतपूर्व जो है आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रमेश बैस वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं, बन्ना गुप्ता, इन चारों में से किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई? तो इसकी घोषणा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, हेमंत सोरेन के द्वारा। नेक्स्ट, 2022 में सीएमआईई द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, ठीक है, बेरोजगारी का जो दर है वो कितना है? 8%, 12%, 10.04%, 17.30%, कितना है हमारे राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो? तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है ये हमारे राज्य में 17.30 है। इट मीन्स द फोर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बोकारो की सेल कंपनी ने 24 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 49th, 58th, 51st, 52nd, ये सेल कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, ये सेल कंपनी जो कि आपका बोकारो में है। ओके, तो इसने अपना 49th एनिवर्सरी जो है आपका एस्टैब्लिशमेंट फाउंडर डे जो है इसे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड में टिकैत उमराव और शेख भिखारी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? 161, 162, 163 एंड 164, कौन सा मनाया गया है? तो ये 164 जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड के कितने विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा में शामिल हुए? 40, 36, 45, 50, कितने? तो
तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका 36। नेक्स्ट, हर घर दस्तक अभियान योजना झारखंड राज्य में चलाई जा रही है। इसमें ऑप्शन आपका जो है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कुपोषण से, शिक्षा की वजह से, सी स्वास्थ्य के लिए, या फिर कोरोना से। इन चारों में से किसके लिए ये जो है अभियान आपका चलाया जा रहा है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये है आपका कोरोना की वजह से ये अभियान जो है बेसिकली चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को NAAC NAAC की मान्यता लेने के लिए कितना समय दिया गया? 1 year, 2 year, 3 year और 4 year, कितने ईयर का जो है समय दिया गया? तो NAAC के द्वारा जो है आपका 3 years का समय हमारे झारखंड राज्य के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड के किस जिले में खुफिया महल और अन्य कई भवन का निर्माण जो है मिला है? गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, इन चारों में से किस जिले में? तो ये मिला है आपका गुमला जिला में। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 में झारखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया? सीएम सपोर्ट ऐप, मेक माई सिटी ऐप सेफ, मेक वुमेन सेफ, या फिर ए एंड बी बोथ, यानी सीएम सपोर्ट ऐप और मेक माई सिटी सेफ, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है मेक माई सिटी सेफ। ये आंसर जो है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेसिकली हमारे झारखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया। बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण 2022 में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में किया गया? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या फिर रांची विश्वविद्यालय? ये किया गया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। 2022 में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य से किसे कांस्य पदक दिया गया है? श्रीकांत को, दीपिका कुमारी को, सविता कुमारी को, या फिर पंकज कुमार को? इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा श्रीकांत कुमार को जो है कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में आयोजित 21वीं नेशनल ट्रेन लिफ्टिंग IBP चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक झारखंड के किस खिलाड़ी ने जीता है? हमेशा क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली किसके लिए पूछा जा रहा है। तो 21st नेशनल ट्रेन लिफ्टिंग IBP चैंपियनशिप में पूछा जा रहा है, और वो किसके लिए पूछा जा रहा है? स्वर्ण पदक के लिए। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? आशीष कश्यप, प्रतिभा हेम्ब्रम, रत्नेश कुमार, एंड द ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी दिया गया है आपका, ए एंड बी बोथ। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या है? ये आपका IBP चैंपियनशिप राजस्थान में जो आपका आयोजित हुआ था, इसमें सही आंसर जो है वो क्या है? तो सही आंसर जो है प्रतिभा हेम्ब्रम को ये आपका अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट, 2022 में झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सफाई तो होकर रहेगी अभियान 3.0 लॉन्च किया गया? सफाई अभियान है ये, हजारीबाग नगर निगम के द्वारा, रांची नगर निगम के द्वारा, धनबाद नगर निगम के द्वारा, गिरिडीह नगर निगम के द्वारा, इन चारों में से किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया हमारे रांची नगर निगम के द्वारा। में संपन्न मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत झारखंड में कितने प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई? 2.07,
7.20, 6.20 एंड 2.70। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, जो आपका इंक्रीजिंग है वो कितना है परसेंटेज, इसकी 2.70% जो है ये इंक्रीज किया है। राजस्थान के उदयपुर में 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में हमारे राज्य यानी झारखंड को कितना पदक मिला है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसमें हमारे जो झारखंड राज्य है उसको टोटल 4 पदक मिला है। ओके, नेक्स्ट। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है दिव्या शर्मा, डॉक्टर कपिल खान, वंदना टेडे, जसिंता केरकेट्टा। किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर कपिल खान के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर कपिल खान के द्वारा। ओके, 2022 में झारखंड राज्य के किस महिला खिलाड़ी को भारतीय फुटबॉल टीम में चुना गया? अंकिता भक्त, भगत होगा सुमति कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग या फिर दीपिका कुमारी, किसका सिलेक्शन किया गया है? इसमें जो है आपका सिलेक्शन हुआ है सुमति कुमारी का। ठीक है, किसका सिलेक्शन हुआ है? सुमति कुमारी का। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कृतिका कुमारी, विराट माकन, विराज माकन या फिर सुमन कुमारी, किसके द्वारा जो है किस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया गया है? तो योग के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में इन चारों में से किसके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये रिकॉर्ड जो है आपका कृतिका कुमारी ने बनाया है योग के क्षेत्र में। में प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का नया प्रेरक झारखंड के किस संस्थान में बनाया? रिम्स रांची में बनाया, BIT सिंदरी में बनाया, IIT ISM धनबाद में बनाया या फिर NIT जमशेदपुर में बनाया? ये चारों जो है काफी नामी कॉलेज है हमारे झारखंड का, तो इन चारों में से कहां बनाया है? तो ये उन्होंने बनाया IIT ISM धनबाद में। क्या बनाया? CO2 का नया प्रेरक। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड के नए हाईकोर्ट के निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई, मतलब टोटल जो एक्सपेंसेस है अमाउंट का वो कितना था? हाउ मच? 650 करोड़, 697 करोड़, 597 करोड़ और 651 करोड़। कितने करोड़ की राशि जो है वो इसमें खर्च की गई है? तो इसमें हाईकोर्ट को बनाने में जो राशि खर्च की गई है ये की गई है 697 करोड़। ये इंडियन हाईकोर्ट के लिए नहीं है, देखिए नाम ध्यान से देना है और बेसिकली किसके लिए पूछा जा रहा है। तो ये है हमारा हाईकोर्ट झारखंड का। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य में बांध होने का प्रमाण मिला है? पलामू टाइगर रिजर्व में, बेतवा नेशनल पार्क में, दलमा वन्य जीव अभयारण्य में या फिर पालकोट वन्य जीव अभयारण्य में, कहां पर मिला है? ये मिला है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कहां मिला है? पलामू टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, झारखंड के किस लेखिका को नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में शामिल किया गया? ध्यान से देखिएगा, नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में वंदना टेटे, जनसिता केरकेट्टा, अंजनी सिंह, कृतिका कुमारी, किसे शामिल किया गया है? इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ये है जनसिता केरकेट्टा। ओके, नेक्स्ट, हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत झारखंड 2022 के किस महीने में हुई है? 26 जनवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी,
फर्स्ट फरवरी। देखिए तीन ऑप्शन जो है वो जनवरी से रिलेटेड है और एक ही जो है आपका जो फरवरी से रिलेटेड है। ओके तो इसमें जो सही आंसर है, मेजोरिटी पे भी ध्यान देना है, अगर आपको याद नहीं है आंसर, आप पर्टिकुलरली नहीं जानते हैं तो मेजोरिटी पे ध्यान देना है, जनवरी है तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन लगाइए। इसमें सही आंसर है आपका 30th January। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सविता कुमारी को 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। जो आपकी सविता कुमारी है वो किस खेल से रिलेटेड है? देखिए ऑप्शन है आपका इसमें हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी या फिर क्रिकेट। किससे है वो रिलेटेड, किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो है आपका क्रिकेट और यही जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके नेक्स्ट, 2022 में IIT IISM धनबाद में कौन सा चैलेंज शुरू किया गया? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टैक्सिम या फिर A&B बोथ, यानी स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ये दोनों शुरू किया गया। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जो है ये आपका शुरू किया गया। पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप झारखंड में लॉन्च किया गया? झारखंड सब्सिडी ऐप, CM सपोर्ट्स ऐप, CM पेट्रोल ऐप या फिर झारखंड ऑयल सब्सिडी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, पेट्रोल पर सब्सिडी ऐप जो है ये लॉन्च किया गया ऐप जो है वो क्या है? CM सपोर्ट्स ऐप। 2022 में झारखंड एकेडमी काउंसलिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार महतो, डॉक्टर विनोद सिंह, अंजलि कुमारी, सुदेश कुमार महतो। इसमें जो है जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो अनिल कुमार महतो को नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किसे किया गया है आपका? ये किया गया है अनिल कुमार महतो को, झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग JAC के नए अध्यक्ष। में झारखंड राज्य के किस संस्थान को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है? ऑप्शंस देखिए, IIT IISM धनबाद, NIT जमशेदपुर, IIT IISM धनबाद, NIT जमशेदपुर दोनों या फिर रिम्स रांची, किसको बनाया गया है? इसमें जो है आपका सही आंसर है IIT IISM धनबाद को बनाया गया है। 2022 में NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता जो कि हैदराबाद में आयोजित हुआ था उसमें महिला जो है उसमें पहला स्थान किसका था? कोमलिका बाड़ी, अंकिता भक्त, दीपिका कुमारी या फिर बी और सी दोनों, किसका है फर्स्ट पोजीशन? इसमें जो सही आंसर है वो है अंकिता भक्त का। 40 हॉकी के जूनियर इंडिया कैंप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया? 6, 4, 5, 3 कितने खिलाड़ी का जूनियर इंडिया कैंप जो कि हॉकी के लिए आयोजित किया गया? इसमें टोटल जो है आपका 6 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ। 2022 में झारखंड के किस संस्थान या पूर्वी भारत के किस संस्थान ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल रैंकिंग में उसको 5वां स्थान मिला है? BIT मिश्रा, BIT सिंदरी, रिम्स रांची, IIT IISM धनबाद, किस संस्थान को ये रैंक मिला है? ये मिला है आपका BIT सिंदरी को। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड कैडर में IPS की पोस्ट की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 2022 के लिए? पोस्ट जो है इसको बढ़ाकर 149 कर दिया गया।
वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत झारखंड के किस स्टेशन से की गई? रांची, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद। ये शुरू किया गया हमारे रांची जिले से, हमारी राजधानी जो है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 में झारखंड के कितने राइस मिल्स का शिलान्यास किया? 15, 16, 7 और 14। जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये है आपका 14। ओके, तो इसमें सही आंसर जो है ये आपका 14 ही है। जनरली जो ऑप्शन आपका नीचे चला गया है वही ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। झारखंड के कितने युवाओं ने 2022 के गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया? 5, 4, 3, 2। कितने युवाओं ने? तो इसमें जो है आपके झारखंड का 4 युवा जो है युवाओं ने हिस्सा लिया था। झारखंड के रोहित सिंह ने 2022 में यूपी के प्रयागराज में आयोजित चौथी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका बी और सी, यानी स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों। इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? इसमें आपका जो रोहित सिंह है इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। राज्य में 2022 में झारखंड सरकार के द्वारा एक वर्ष के लिए कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा उपलब्ध कराया जाएगा? 15,000, 20,000, 21,000 और 25,000। चार ऑप्शन है इसमें, 15,000, 20,000, 21,000 और 25,000। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये है आपका 21,000। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड 2022 में किसका चयन हुआ? हॉकी टीम ब्यूटी डुमडुम, निक्की प्रधान, सेलिमा टेटे या फिर निक्की प्रधान, सेलिमा टेटे, दोनों का सिलेक्शन हुआ है? किसका सिलेक्शन हुआ है? इसमें जो सही आंसर है इसका है 4 नंबर, निक्की प्रधान, सेलिमा टेटे, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, चयन पर्यटन हब के रूप में 2022 में झारखंड के किस जिले को चुना गया? रांची, देवघर, सिमडेगा, गुमला। किसका सिलेक्शन किया गया? इसमें सिलेक्शन हुआ है पर्यटन हब के लिए हमारे देवघर, बाबा नगरी। वर्ष 2022 में किस JMM संस्थापक का निधन हुआ? शिवा महतो, रामचंद्र महतो, अनिल महतो, शिवचरण महतो। किसका निधन हुआ है? तो इसमें जो है जिसका निधन हुआ है वो है शिवा महतो, JMM के संस्थापक रह चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में रांची नगर निगम के द्वारा जिस अभियान की शुरुआत की गई वो क्या था, बेसिकली जो कि स्वच्छता के लिए किया गया था? तो फर्स्ट है ऑप्शन स्वच्छ रांची, सेकेंड है मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका साथ हो, अपना रांची, स्वच्छ रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें सही ऑप्शन है आपका मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो, मतलब हमारा शहर जो है पूरी तरह से क्लीन हो और उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो किसका हो, हम लोगों का ही हो। नेक्स्ट, 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश भर में डिजिटल गांव के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? बेसिकली देखना है डिजिटल गांव के मामले में और पूछा जा रहा है विश्व स्तर पर नहीं, आपका इंडियन लेवल पर झारखंड का जो प्लेस है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, क्या है? तो इसमें जो है आपका जो झारखंड का प्लेस है वो है आपका ए, फर्स्ट प्लेस पे है हमारा झारखंड स्टेट देश भर के मामले में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विद्यालयों में
2022 में कौन सा अभियान शुरू किया गया? अपना विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ बच्चे, एक कदम स्वच्छता की ओर, विद्यालय स्वच्छ तो बच्चे स्वस्थ। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें जो आपका सही आंसर है ये है स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे, मतलब अगर विद्यालय क्लीन रहेगा तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट, 2022 में झारखंड राज्य के किस जिले में सीएम सचिवालय आवास का निर्माण किया गया? धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, दुमका, इसमें से किस जिले में किया गया? तो जो सीएम सचिवालय का निर्माण है ये हमारे दुमका डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता जो झारखंड में मार्च 2022 में आयोजित की गई थी, वो उसमें जो आपका कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है बी, झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो बी। झारखंड राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ? बहुत सारे खेल का आयोजन हुआ है झारखंड में, तो आपको ध्यान देना है सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है और प्लेसेस का नाम है जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, बोकारो, इन चारों में से किस जगह पर ये संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, 2022 में इंडियन गैस ने रांची में किस अभियान की शुरुआत की? एवरग्रीन, गो ग्रीन, मिक्स ग्रीन, नन ऑफ दीज, इसमें से किसका जो है स्टार्टिंग किया गया? इसका गो ग्रीन, गो ग्रीन जो है इसका शुरुआत किया गया इंडियन गैस के द्वारा रांची में। राज्य के किस कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? डॉक्टर मुकुल नारायण देव, डॉक्टर सोना झरिया मिंज, इन दोनों को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोना झरिया मिंज, इन दोनों को कर्नल की मानक उपाधि जो है वो हमारे सरकार के तरफ से दी गई, ये दोनों जो है कुलपति रह चुके हैं। रांची विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2022 में कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इधर 1800347064, 1800597189, 1800547061, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है 1800347064, ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये जारी किया गया था। नागपुरी मुंडारी भाषा में बनी किस फिल्म को न्यूजीलैंड के मामूली लैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया? मामूली लैंड फिल्म फेस्टिवल के लिए अघोरी, किस्मत चुकाती जिंदगी, बांधा खेत, ट्रैप्ड, इन चारों में से किसका? तो ये जो है ये आपका बांधा खेत, इसका सिलेक्शन किया गया। किन्हें डॉक्टर कामिल गुल के साहित्य सम्मान से नवाजा गया? डॉक्टर जेपी पांडे, डॉक्टर महुआ मांझी, सूरज श्रीवास्तव, निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव। डॉक्टर महुआ मांझी को जो है आपका डॉक्टर कामिल गुल के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रांची रेल डिवीजन को समय बाध्यता में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड या फिर फर्स्ट? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड या फिर फर्स्ट? रांची रेल डिवीजन को इसमें जो है समय बाध्यता के मामले में रांची रेल डिवीजन को जो है आपका फर्स्ट पोजीशन मिला है, फर्स्ट। नेक्स्ट, 2022 में आयोजित झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस जिले की टीम जो है वो विजेता रही है? रांची, धनबाद,
बोकारो, हजारीबाग, किस जिले की टीम? इसमें जो है आपका रांची जिले की जो टीम है ये विजेता बनी है, किसमें? स्टेट सब जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 2022 में अमेरिकी काउंसलेट जनरल के इवेंट में झारखंड की कितनी महिला उद्यमी जो है वो शामिल हुई हैं? 20, 14, 10, 6। इसमें जो है टोटल 6 महिला उद्यमी जो है वो शामिल हुई हैं। 2022 में किसने मात्र 4 दिनों में कंचनजंगा पहाड़ की 8,586 मीटर की ट्रेनिंग जो है वो पूरी की? पंकज कुमार, कंचन उगरसंडी, प्रेमलता अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, किसने? इसका जो सही आंसर है ये है आपका पंकज कुमार। पंकज कुमार ने मात्र ही आपका 4 डेज में जो आपका कंचनजंगा माउंटेन है इसके 8,586 मीटर की जो ऊंचाई है उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। 42वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड राज्य के कितने खिलाड़ी ने आपका पदक जीता है? 4, 5, 3, 2 कितने खिलाड़ी ने पदक जीता है इसमें? इसमें टोटल 3 खिलाड़ी ने पदक जीता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, धनबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 3rd प्लेस मिला है। में 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? रांची में किया गया, जमशेदपुर में किया गया, धनबाद में किया गया, बोकारो में किया गया। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया है आपका जमशेदपुर में। 2022 में इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में झारखंड को कितना पदक मिला? अभी कहाँ आयोजन हुआ, अब इसके बाद जो है झारखंड को कितना पदक मिला है वो भी पूछा जा रहा है। 2, 5, 4, 3 तो इसमें झारखंड को टोटल जो है आपका 2 पदक मिला है। में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया? साइंस फिल्म फेस्टिवल का रांची, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा। ये आपका जो साइंस फिल्म फेस्टिवल है ये लोहरदगा में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? लोहरदगा में। ओके, नेक्स्ट, रिनपास का फुल फॉर्म क्या है? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक एंड एलाइड साइंस, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू रोमांस एंड एलाइड साइकिल, रामगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू साइकेट्रिक एंड एलाइड साइंस, या फिर रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोफिजियोथेरेपी एंड एलाइड साइंस। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सही आंसर जो है ये इसका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 5 मई 2022 को पंडित रघुनाथ मुर्मू की कौन सी जयंती मनाई गई है? 100, 101, 105, 117 117वीं जयंती मनाई गई है। इंडियन एथनिक एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि शर्मा, वंदना टेटे, डॉक्टर जसबीर बग्गा, जनसिता केरकेट्टा। इसमें जो सही आंसर है वो क्या है आपका? इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर जसबीर बग्गा। ये इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड के 2022 में किस इंस्टीट्यूट को प्रॉमिस सिंह होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है? ऑप्शन है रिम्स रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से किसको मिला है ये अवार्ड?
ये अवार्ड मिला है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची को। किसको मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची को। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर बायोडाइवर्सिटी पार्क का झारखंड के किस जिले में निर्माण चल रहा है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, रामगढ़ में? ये चल रहा है आपका हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओ जीवन के शाश्वत साथी एवं पुरुषोत्तम की पदयात्रा नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी, रोहित यादव, पंकज कुमार रजक या फिर अशोक कुमार गुप्ता, कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी। पुणे स्थित आनंद गाला कंपनी में बेस्ट ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग ट्रेनी ऑफ द ईयर अवार्ड झारखंड से किसे सम्मानित किया है? न किशोर सिंह को, रश्मि कुमारी को, कविता भारती को या फिर इनमें से सभी को? कविता भारती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। वारह मिहिर तारा मंडल राज्य के किस जिले में है? बोकारो में है, धनबाद में है, हजारीबाग में है, रांची में है? कहां पर है ये तारा मंडल? ये तारा मंडल जो है आपका रांची जिले में स्थित है। कहां स्थित है? रांची जिले में। तो इसका सही आंसर क्या है? रांची। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2 दिवसीय का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? रांची, विनोबा भावे, सिद्धू कान्हू, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया रांची विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। 2022 में इंस्पायरिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड से किस महान शख्स को नवाजा गया? ऑप्शन है हमारे पास वंदना टेटे, सोवा शमसी, निर्मला पुतुल, अनीता रश्मि। इसमें से सोवा शमसी को आपका इंस्पायरिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड से 2022 में नवाजा गया। वह पहला राज्य कौन है जिसने ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? ब्लॉकचेन प्रणाली से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? हमारा झारखंड। नेक्स्ट, किस रेडियो एफएम को इम्यूनाइजेशन अवार्ड से 2022 में जो है नवाजा गया? इम्यूनाइजेशन अवार्ड, रेडियो 104.8 एफएम, 90.8 एफएम, 98.2 एफएम या फिर 103 एफएम, किसे किया गया है? 104.8 एफएम को आपका इम्यूनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, राज्य में कितने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे? 15, 49, 51, 48। टोटल 49 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है राज्य में खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर के प्रति लाख पर मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया के स्पेशल बुलेटिन 2017-19 के अनुसार जो है वो मृत्यु दर कितना है? 61, 103, 130, 109। 61 जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जरकता में आयोजित हीरो पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड से किसका चयन किया गया? भोलानाथ सिंह, रोहित यादव, पंकज कुमार रजक, अशोक कुमार गुप्ता, किसका सिलेक्शन किया गया है? पंकज कुमार रजक का सिलेक्शन किया गया है जरकता में होने वाले हीरो पुरुष एशिया कप में। 2022 में प्राकृतिक चिकित्सा रत्न अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? पंकज कुमार, बीके सिन्हा, शिव शंकर प्रसाद, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से किया गया डॉक्टर पंकज कुमार। में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में जमशेदपुर से
किस शख्स को नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, रोहित यादव, डॉक्टर राजीव रंजन, अशोक कुमार गुप्ता। किसका सिलेक्शन किया गया? डॉक्टर राजीव रंजन। ओके, 2022 में सर्वेक्षण के अनुसार साइकिल चलाने के मामले में पूरे भारत में झारखंड का जो प्लेस है वो क्या है? फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। झारखंड का जो प्लेस है वो पूरे भारत में फिफ्थ प्लेस पे है हमारा झारखंड साइकिल चलाने के मामले में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला? हजारीबाग, धनबाद, जामताड़ा, रांची। सी ऑप्शन जो है वो सही है, जामताड़ा। जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? शैलेंद्र महतो, संतोष किंडो, के एल अग्रवाल, प्रिया गुप्ता। शैलेंद्र महतो के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया। राज्य की राजधानी रांची में 16 से 17 अप्रैल को राष्ट्रीय ओपन रेस चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पहला, पांचवा, नौवां, बीसवां। नाइन्थ संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। 2022 में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष में नियुक्ति किसकी हुई है? के एल अग्रवाल की, गुलाम रब्बानी की, अर्जुन मुंडा की या फिर मिथिलेश ठाकुर की, किसकी हुई है? इसमें जो आपका सिलेक्शन हुआ है ये हुआ है आपका मिथिलेश ठाकुर का। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया गया? देवघर, धनबाद, रांची, रामगढ़। रांची में। ओके, बेस्ट पीएचडी थेसिस अवार्ड से किस शख्स को सम्मानित किया गया? डॉक्टर कोमल चंद्रकार, प्रिया गुप्ता, प्रीता रेड्डी, इनमें से सभी। डॉक्टर कोमल चंद्रकार को, ठीक है, किसे? डॉक्टर कोमल चंद्रकार। नेक्स्ट, 2022 में प्रीपेड ऑटो सेवा को झारखंड के कितने स्टेशनों में शुरू किया गया? 4, 3, 2, 5। कितने स्टेशन पे जो है ये शुरू किया गया है आपका? ये टोटल जो है 2 स्टेशनों पे शुरू किया गया है। हाल ही में सीमोन उरांव की जीवनी पर बनी इस फिल्म को स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड मिला है, वो फिल्म कौन सी है? झरिया, बांदा के, अघोड़ी, कीमत चुकाती जिंदगी। ये जो फिल्म है इसका नाम है झरिया। 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड के किस जिले में हुआ? लोहरदगा, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो। ये हुआ है आपके लोहरदगा में। अग्निशमन सेवा सप्ताह झारखंड सरकार के द्वारा कब से कब तक मनाया गया? 1 से 12 अप्रैल 2022, 14 से 20 अप्रैल 2022, 12 से 30 अप्रैल 2022 या फिर 14 से 30 अप्रैल 2022। 14 से 20 अप्रैल 2022। राज्य के किस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची यूनिवर्सिटी, यूनिवा भावे यूनिवर्सिटी, सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी के साथ? तो ये आपका जो MOU साइन है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के साथ। ओके, धन्यवाद।